टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के ड्रामे में काफ़ी कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं, जहां पर एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्र और प्रीशा के साथ। प्रीशा अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी, तभी उसे अरमान का कॉल आएगा और अरमान उसे बाहर मिलने के लिए बुलाएगा। प्रीशा कहेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। प्रीशा जैसे ही अपना गम भुला कर के बाहर आएगी, वो देखेगी कि कॉरिडोर में रुद्राक्ष अपने रूम में जाने की कोशिश कर ही रहा है और साथ में देविका भी है। जैसे ही रुद्राक्ष की नज़र प्रीशा पर पड़ेगी, वो देविका का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि इतनी जल्दी गुड नाइट, ये कहाँ का रिवाज है, और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। रुद्राक्ष ये सब कुछ जानबूझकर प्रीशा को जेलस फील कराने के लिए करता है, और उधर देविका को लगता है कि रुद्राक्ष उसके प्यार में पागल हो गया है। जैसे ही रुद्राक्ष देविका के और भी ज़्यादा करीब आता है, यहाँ पर देविका कहती है कि रुद्र, तुम्हें नहीं लग रहा आज के कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है? तभी रुद्राक्ष उसे कन्विंस कर लेता है और उसके गाल पर वो किस करने ही वाला होता है। तभी प्रीशा ये सब कुछ देख रही होती है और आकर के देविका को ज़ोर से डांट लगाती है और पूछती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही प्रीशा आएगी, देविका सक पका जाएगी और वो रुद्राक्ष को गुड नाइट बोलकर जल्दी से प्रीशा के साथ उसके रूम में चली जाएगी, जहाँ पर प्रीशा उसे ज्ञान देगी और कहेगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, अगर मैं राइट टाइम पर नहीं आती तो तुम तो जल्दबाजी में कुछ भी कर सकती हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर देविका प्रीशा को कह रही होगी कि भाभी, वो सिर्फ एक नॉर्मल गुड नाइट किस थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं। ये दोनों बातें कर ही रही होंगी कि प्रीशा के रूम में वसुधा की एंट्री होगी और वो प्रीशा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आएगी। यहाँ पर जो देविका है वो उन दोनों को एक्सक्यूज़ करके चली जाएगी, और यहाँ पर जो प्रीशा की मॉम वसुधा हैं वो उसको आईना दिखाएंगी और कहेंगी कि देख, रुद्राक्ष तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो देविका के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाला है, लेकिन तू वहीं के वहीं खड़ी रह गई है। प्रीशा आगे बढ़ और कुछ सोच अपनी लाइफ के बारे में। ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पर वसुधा अपनी बेटी प्रीशा को बताती हुई नज़र आएंगी, जिसके बाद अरमान आएगा कमरे में और कहेगा कि सब कुछ ठीक है। प्रीशा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पास मेरे साथ चलोगी? प्रीशा कहती है कि नहीं, बताओ तो क्या हुआ है। यहाँ पर अरमान कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और उसे एक हॉल में ले जाता है जहाँ पर अंधेरा होता है। अंधेरा देखकर प्रीशा कहती है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है अरमान? अरमान उसके करीब जाता है और कहता है कि दिल की बात हमेशा अंधेरे में ही करनी होती हैं, तभी तो वो हमेशा याद रहती हैं। प्रीशा जैसे ही देखेगी, उसके ऊपर फूल गुब्बारे बरसने लगते हैं, हर तरफ आई लव यू उसे दिखाई देता है। और उसके बाद में अरमान प्रीशा से कहता हुआ नज़र आता है कि आई नो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम कब फ्रेंड से मेरे लिए कुछ और बन गई मुझे पता ही नहीं चला। प्रीशा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रखना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? और अरमान प्रीशा को प्रपोज कर देता है। प्रीशा ये सब देख कर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष पूरी पार्टी में प्रीशा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन प्रीशा उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। यहाँ वो देविका से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी भाभी कहीं दिख नहीं रही? तब देविका उसे इन्फॉर्म करती है और कहती है कि हो सकता है वो लोग अपने रूम में हों, क्योंकि भाई भी नहीं दिख रहे हैं, अगर भाई कमरे में है तो भाभी भी तो उन्हीं के साथ होंगी ना। ये सुनकर रुद्राक्ष को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा अरमान प्रीशा को मनाने के लिए आता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। यहाँ पर प्रीशा कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं होने चाहिए, और मैं भी तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। मेरी ज़िंदगी में अब किसी और नए रिश्ते के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। आई नो तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पर रहना सिर्फ अनवी के लिए स्वीकार किया था, तुम्हारे लिए या फिर अपने रिश्ते के लिए नहीं। इसीलिए अगर हम दोनों नॉर्मल दोस्ती रहें तो बेटर होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या प्रीशा के रिजेक्शन के बाद अरमान उसको आसानी से जाने देता है या फिर वो दोबारा कोशिश करने के लिए कुछ और नई तरकीब निकालेगा। उधर रुद्राक्ष को जब पता चलेगा कि अरमान ने प्रीशा को शादी के लिए प्रपोज किया है तो क्या होगा उसका रिएक्शन, ये भी अपने आप में देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल से आपको सब्सक्राइब फटाफट से कर लें। Thank you.